तो मैम फर्स्ट ऑफ ऑल मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशन फॉर द सॉन्ग सोनिया वे। तो कैसा लग रहा है सॉन्ग आपको? मतलब ये तो जो हमारे गाने की सबसे सुंदर हीरोइन है वो ही बताएंगी कि हमें सॉन्ग कैसा लगा, क्योंकि मुझे तो अपना सॉन्ग ऑब्वियसली मैंने बनाया है। इस गाने को जसबीर जस्सी जी के साथ हमने गाना ये बनाया है, कुमार जी ने लिखा है, एंड ये इतनी सुंदर है, इन्होंने इस गाने के ऊपर इतना अच्छा डांस किया। और ये मैं बहुत एक्साइटेड हूँ बिकॉज इनकी ये डेब्यू फिल्म है एंड मैं वेट कर रही हूँ कि इनकी एक्टिंग स्किल्स कैसी हैं। That she has to see, और I hope उनको अच्छा लगे। इनका गाना is इनका गाने इनके गाने के बारे में I'm so like fumbling, मैं इतनी nervous हूँ, इतने बड़े स्टार के साथ मैं बैठ रही हूँ। आज इनके सारे गाने सुपर हिट हैं और इतने स्टाइल और अंदाज से गाती हैं और दिल से गाती हैं, तो ये गाना भी आप लोगों को बहुत ही पसंद आएगा एंड आई होप हर शादी हर पार्टी में ये गाना बजे। Absolutely, I think ये अब जब शादियाँ शुरू होने वाली हैं आई एम श्योर कि ये गाना सब जगह बजेगा। एंड थैंक यू सो मच, आपने हम लोग को इतना सपोर्ट किया आज तक एंड आगे भी ऐसे ही सपोर्ट करते रहिए। तो जस्ट वन डे 4 मिलियन व्यू, क्या कहना चाहेंगे आपके फैन के बारे में? एक्चुअली टू बी ऑनेस्ट 4 मिलियन व्यूज़ मुझे लगता है कि सिर्फ हमें नहीं मिला, 4 मिलियन व्यूज़ हमारी पूरी टीम को मिला है। सबका ये एक जने का काम नहीं है, मतलब म्यूज़िक क्यूरेशन से लेकर कितनी सिटिंग्स हुई हैं डिफरेंट डिफरेंट लोगों के साथ, डायरेक्टर्स के साथ, उसके बाद उसका एक बड़ा सेट बनाना, उस पर एक हीरोइन को स्टाइल करना, उसको कैसे पेश करना, वो बहुत बड़ी चीज़ होती है। गाने को पेश कैसे किया जाता है, सो आई थिंक इसमें सबका श्रेय एंड सबको कंग्रेचुलेशंस कि ये गाना आई थिंक एक हिट पे शुरू हुआ है, सो अब इसको मैं सुपर डुपर हिट बनाना है। जी हाँ, वो सुपर हिट तो होगा ही, लेकिन शूटिंग के दौरान कोई ऐसा मोमेंट जो आप फैंस के साथ शेयर करना चाहें? आप बताइए, शूटिंग पे मैं थी नहीं, हमने कोरोना के दौरान शूटिंग की थी, एकदम पीक लॉकडाउन में 3 दिन का शूट था और मैंने ये गाना 103 के बुखार में शूट किया है, तो ये सबसे बड़ी बात है। आई डोंट थिंक एवरीबॉडी नोज अस, वेरी वेरी अनवेल, बहुत ही बीमार थी, लेकिन गाना का एनर्जी इतना सुपर्ब था और लोगों का एनर्जी इतना सुपर्ब था कि 3 दिन ऐसे निकल गए और आपको रिजल्ट तो पता है कि गाना कैसे निकला, तो ये बात है। नो, फैबुलस, बहुत ही अच्छा पूरा गाने का पूरा जो एक जिस तरीके से पेश किया है पंकज जी ने एंड आदिल सर, आदिल जी ने कोरियोग्राफ किया है, आदिल शेख ने, उनकी टीम ने, और उन्होंने फैंटास्टिक जॉब किया है। तो कल्पना जी, बैक टू बैक आपके 2 सॉन्ग आए, सीटर कार, 2 सीटर कार है सोनिया में, तो आपकी अपकमिंग प्रोजेक्ट के बारे में कुछ बताना चाहिए? जी, अब मैं आपको बस इतना बता दूं कि मैं अब रुकने नहीं वाली, मेरे हर महीने कम से कम 1 या 2 गाने तो आ रहे हैं एंड मैंने पूरे 2020 में मैंने पूरा 2020 बस अच्छे से खूब रियाज किया और खूब अच्छा खाना खाया, थोड़ा वेट भी पुट ऑन किया और बहुत अच्छे गाने बनाए। सो अब वो बैक टू बैक मेरे ख्याल से ये साल तो भरा हुआ है गानों से एंड आई होप आप लोग को पसंद आए। सिर्फ एक डांस सॉन्ग्स ही नहीं हम बना रहे हैं, हम डिफरेंट जॉनरास में भी गाने निकाल रहे हैं, सैड लव सॉन्ग्स हैं, क्लासिकल गाने हैं, बहुत अमेजिंग कोलैबोरेशंस जो आपने कभी सोचा नहीं होगा मेरे साथ वो आ रहे हैं, सो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ। बट सबसे पहले मैं बहुत एक्साइटेड हूँ इस पिक्चर के लिए, हेलो चार्ली, जो 9 तारीख को आ रही है एंड एक बहुत दिनों बाद एक डिफरेंट मूवी आ रही है जिसमें एक गुरिल्ला को लेकर स्टोरी है, सो मैं वेट कर रही हूँ बहुत ही इम्पेशेंटली। तो आई होप आप सबको ये पिक्चर पसंद आया एंड ये गाना पसंद आया। सो 9 अप्रैल को मूवी रिलीज हो रही है एंड लास्टली क्या मैसेज देना चाहेंगे आपको? आप बताइए। प्लीज़ प्लीज़ हमारी पिक्चर देखिए और हमें ढेर सारा प्यार दीजिए और हमको आपको हंसाने का एक मौका दीजिए ऑन 9 अप्रैल अमेज़ॉन प्राइम पर, नचाने का और सोनिया वे करने का। और प्लीज़ सब हुक स्टेप चैलेंज भी हमने किया है, तो प्लीज़ हमें रील्स भेजिए, डांस वीडियोस भेजिए और आई होप यू जस्ट लव द सॉन्ग एंड हैव अ ग्रेट टाइम। थैंक यू। याद अज चखले वे चखले चखले सोने आवे, कल होना है फरार, अज तकले वे तकले तक 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 तक,
कल होना है फरार, आज तकले वे तकले तकले सोने आवे।